नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2023 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी दिन भारत ने चांद पर अपना तीसरा मून मिशन भेजा है। नाम है चंद्रयान 3, जिसका मकसद है चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर चलाना और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने जा रहा है, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। अगर चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है और वहां के लूनर सरफेस और क्रेटर्स में भरे पानी की फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर लेता है, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इससे न सिर्फ चांद पर इंसानी जिंदगी की उम्मीद जगेगी, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को स्टडी करने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि क्यों चंद्रयान 3 इतना इम्पोर्टेंट है और ये बाकी देशों के भेजे गए मून मिशन से किस तरह अलग है। Why is चंद्रयान 3 landing at the South Pole? चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा। चांद पर साउथ पोलर रीजन एक बहुत ही आइसोलेटेड और चांद का इनएक्सेसिबल इलाका है। कई हिस्सों पर सूरज की रोशनी तक बिल्कुल नहीं पड़ती। इस वजह से ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में है। यहाँ पर टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। सनलाइट की कमी और बेहद कम टेम्परेचर की वजह से इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा यहाँ सभी जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से चांद के पोलर रीजन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, या यूं कहें कि ये इलाके अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं। इस रीजन के गहरे गड्ढों में सब्सटेंशियल क्वांटिटी में आइस मॉलिक्यूल्स के होने के इंडिकेशन मिले हैं। भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने अपने दो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से चांद की सरफेस पर पानी की प्रेजेंस का इंडिकेशन दिया था। इसके अलावा यहाँ के एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर का मतलब है कि इस रीजन में फंसा हुआ कोई भी मटेरियल बिना किसी बदलाव के लंबे टाइम तक जमा रह सकता है। चांद के नॉर्थ और साउथ पोल्स में चट्टाने और मिट्टी बहुत काम की साबित हो सकती है। ये अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में क्लू भी दे सकती है। Why is चंद्रयान 3 so important? अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और वहां कुछ साइंटिफिक टेस्ट करके वहां से फोटोज और वीडियोस भेजता है, तो इससे चांद जिस तरह बना और डेवलप हुआ है उसे समझकर अर्थ समेत सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को समझने में मदद मिलेगी। चांद नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी भी है, इसीलिए इस पर से स्पेस एक्सप्लोरेशन की कोशिश की जा सकती है। स्पेस मिशंस के लिए चांद रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज के डेमोंस्ट्रेशन और टेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चांद पर कई वैल्यूएबल मिनरल्स की खोज हो सकती है। इसके अलावा फ्यूचर में चांद पर स्पेस स्टेशंस स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। मून, अर्थ और यूनिवर्स की बेहतर समझ के लिए ये खोज बहुत जरूरी है। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को ये दिखाने के लिए भी ये मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी फॉरेन असिस्टेंस के अनइमेजिनेबल हाइट्स को अचीव करने में कैपेबल हैं। चलिए अब उन मिशंस की बातें करते हैं जो भारत से पहले अलग अलग देशों ने चांद पर भेजे हैं। रशियाज लूना मिशन। रूस ने अपने पहले मून मिशन की शुरुआत लूना से की। 2 जनवरी 1959 को रूस ने लूना 1 नाम का पहला मिशन भेजा। ये चांद के पास पहुंचने वाला पहला स्पेस प्लेन था, लेकिन दूसरी बार लूना 2 मिशन के जरिए रूस को बड़ी कामयाबी मिली। इसने पहली बार चांद की ऑर्बिट में रूस का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट पहुंचाया। इसने चांद की सरफेस के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि वहां किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके तुरंत बाद रूस ने लूना 3 लॉन्च किया, जिसके जरिए ये पता चला कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। रूस ने अपना आखिरी मून मिशन लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए साइंटिस्ट्स ने चांद से 170 ग्राम मिट्टी कलेक्ट की थी। अब रूस अपना अगला मून मिशन लूना 25 इसी साल लॉन्च करने की तैयारी में है। अमेरिकाज मून मिशन।
नासा ने मून मिशन की शुरुआत सर्वेयर प्रोग्राम से की थी। 1966 से 1968 के बीच ये प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 7 मानव रहित एयरक्राफ्ट भेजे। इसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिट्टी के नमूने जुटाए। इसके बाद अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के जरिए पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड किया। 1969 में लॉन्च हुए अपोलो 11 के जरिए पहली बार एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरे। ये एस्ट्रोनॉट्स थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। हालांकि 1970 के अपोलो 11 मिशन में प्लेन के ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ और इसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद अपोलो 13, 14, 15 और 17 को लॉन्च किया गया, जिनके जरिए चांद से जुड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन जुटाई गई। चाइनाज चांग ई मिशन। चीन ने अपने मून मिशन चांग ई 2019 में लॉन्च किया था। ये मिशन सक्सेसफुल रहा था। मिशन के जरिए चांद के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली थी। इसके बाद 23 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक चांग ई 5 मिशन चला। पिछले 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई देश चांद की सतह को खोदकर वहां से सैंपल्स लेकर लौटा। इस मिशन को इसलिए भी खास बताया गया क्योंकि जो सैंपल्स लिए गए थे वो सिर्फ चांद की स्टडी के लिए नहीं बल्कि रॉक्स और सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडियाज मिशन चंद्रयान 3 विल फाइंड आउट व्हाट अमेरिका रशिया कुडंट डू। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन भारत के पहले मून मिशन की शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी। चंद्रयान 1 के दौरान एयरक्राफ्ट के चांद के चारों ओर 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए और चांद पर पानी होने की भी इंडिकेशंस दिए। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को इसरो के चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी। भारत लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बनने ही वाला था, लेकिन महज 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम से कांटेक्ट टूट गया और मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बार फिर इसरो चंद्रयान 3 के साथ चांद पर इतिहास रचने के लिए तैयार है। चंद्रयान को लैंडिंग की प्रोसेस खत्म करने में 42 डेज का टाइम लगेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 इसके सरफेस मिनरल्स की जानकारी हासिल करने के साथ यहाँ आने वाले अर्थक्वेक्स, सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टी और प्लाज्मा के साथ ही अर्थ से चांद की सटीक दूरी का पता लगाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी में मौजूद केमिकल्स और मिनरल्स का लेवल पता लगाने में भी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 और दुनिया के बाकी मून मिशंस के बारे में हमारी आज की वीडियो। आप चंद्रयान 3 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।